जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको एक ऐसे शक्तिशाली मंत्र के बारे में बताने वाले हैं, जिस मंत्र को यदि आपने रात को सोते समय बोल दिया तो रात को ही चमत्कार हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, आपको सुबह का भी इंतजार नहीं करना पड़ेगा। आपकी कुछ भी परेशानी हो, चाहे वह परेशानी धन संबंधी हो, चाहे नौकरी में आपको कोई परेशानी आ रही हो, या आपका व्यापार ठीक प्रकार से ना चलता हो, या फिर परिवार के सदस्यों के बीच में मन मुटाव चल रहा हो, यदि आपकी कोई भी समस्या है तो बस आपको क्या करना है, आपको रात को सोते समय इस मंत्र को 11 बार बोल देना है और फिर रात ही में आपको चमत्कार देखने को मिलेगा। दोस्तों, ये मंत्र इतना शक्तिशाली है कि लोगों ने अपनी बड़ी से बड़ी काम इस मंत्र के द्वारा सिद्ध किए हैं। आपके जीवन में भी यदि किसी भी प्रकार की कोई समस्या आ रही है तो बस आपको रात को सोते समय ये मंत्र 11 बार बोलना है, फिर उसके बाद आपकी जो भी इच्छा है वह अपने आप ही पूरी हो जाएगी। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है दोस्तों। आगे बढ़ने से पहले वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे कि प्रभु श्री राम की कृपा और बागेश्वर धाम की कृपा आप पर और आपके परिवार पर सदैव बनी रहेगी। चलिए वीडियो आरंभ करते हैं। दोस्तों, आपकी जो भी इच्छा है, चाहे वह आपकी इच्छा भगवान के दर्शन से संबंधित है, चाहे वह आपकी इच्छा आर्थिक है, सामाजिक है, आपको कोई अनदेखा भय सता रहा है, आप अपने शत्रुओं से परेशान हैं, कर्जे के बोझ से यदि आप दब चुके हैं, या फिर आप किसी लंबी बीमारी से जूझ रहे हैं, तो आपकी किसी भी प्रकार की यदि समस्या है तो बस आपको उस समस्या को 11 बार अपने मन ही मन में सोचना है और आपको इस प्रकार से बताना है कि आपको यह सब मन ही मन में सोचना है, यानी कि आपको बोलकर नहीं बताना है, आपको ये सब मन ही मन में सोचकर भगवान को बताना है। उसके बाद आपके जो भी इष्ट देव है, बस आपको अपने मन ही मन में उनका स्मरण करना है, यानी कि उनका ध्यान करते हुए ही आपको सो जाना है। आप जिस भी भगवान को मानते हैं, आपको अपने उसी भगवान का, अपने इष्ट देव का नाम जपते हुए ही सो जाना है। आपको ये मंत्र जाप करते ही रहना है। आप ऐसा बिल्कुल मत करिएगा कि आपने अपनी समस्या तो भगवान को बता दी लेकिन आप उनका नाम लेना भूल गए, तो ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना। यदि आप अपनी समस्या उनको बताते हैं तो मन ही मन में आप उनके नाम का जप करते रहिए, जिससे होगा ये कि आप नाम जपते हुए जब सो जाएंगे तो नाम जप आपकी चेतना में चलता रहेगा। इसका तात्पर्य यह है कि पूरी रात नाम जप आपके अंदर ही अंदर चलता रहेगा। जब तक आपको नींद नहीं आती, आप बिस्तर पर लेटे हुए हैं, यह नाम जप आपके अंदर ही अंदर चलता रहना चाहिए। दोस्तों, चाहे आपको कितना भी टाइम लगे सोने में, दोस्तों चाहे आपको 5 मिनट में नींद आ जाए या फिर 10 मिनट में, लेकिन आपको ये नाम जप नहीं छोड़ना है। आपको अपने इष्ट देव का, अपने भगवान का नाम लेते ही रहना है। ये सब आपको मन ही मन में करना है। देखिए, आप सब जानते ही हैं, भगवान हमारे अंदर है, हमें उन्हें कहीं भी बाहर ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। तो पहले जब आप भगवान से अपनी इच्छा, अपनी परेशानी के बारे में बताएंगे और उसके बाद आप उनका नाम लेना आरंभ कर देंगे, तो इससे होगा क्या, आपकी जो इच्छा है वह सीधे तौर पर भगवान के संपर्क में आ जाएगी, यानी कि भगवान के साथ आपकी कनेक्टिविटी हो जाएगी। नाम जप करते हुए आप जो भी सोच रहे हैं, उसकी शक्ति से, उसके प्रभाव से आपकी जो सूक्ष्म आत्मा है, जो सूक्ष्म जीव आपके अंदर है, आपकी आत्मा आपकी उस इच्छा, उस परेशानी को परमात्मा तक पहुंचा देगी। तो इसलिए जब आप नाम जप करते करते सो जाएंगे तो पूरी रात ही आपकी सूक्ष्म आत्मा में भगवान का नाम जप चलता ही रहेगा और आपकी आत्मा परमात्मा को आपकी वह इच्छा, आपकी वह समस्या जरूर बताएगी। इसलिए आपकी वह इच्छा रात ही में पूरी हो जाएगी, क्योंकि दोस्तों हमारा शरीर सोता है, हमारी आत्मा नहीं सोती है। हमारी आत्मा पूरी रात जागती है, केवल हमारा ये शरीर ही सोता है। इसलिए रात के समय जब हमारा ये शरीर सो जाएगा तब भगवान रात को आपको स्वप्न में कोई ना कोई ऐसा संकेत जरूर देंगे जिसके द्वारा आप आसानी से अपनी इच्छा की पूर्ति कर लेंगे। रात ही के समय स्वप्न में आपको कोई ना कोई संकेत अवश्य मिल जाएगा। या तो ऐसा होगा सुबह सुबह कोई ना कोई आपके घर पर कोई खुशखबरी लेकर आएगा, या फिर
सुबह उठते ही आपके अंदर से अपने आप कोई आवाज आनी आरंभ हो जाएगी। दोस्तों, ये इतना प्रभावशाली उपाय है कि बहुत लोगों ने अपने कार्य इस उपाय के द्वारा सिद्ध किए हैं। मैं किसी और के बारे में तो यहाँ पर बात नहीं करूंगी, लेकिन मैं आपसे अपने बारे में जरूर कहना चाहूंगी, ये उपाय मैंने खुद भी आजमाया है और आप विश्वास करिए, इसके द्वारा मैंने जो कुछ भी भगवान से कहा है, जिस भी चीज की मैंने इच्छा जताई है, वह सब मुझे मिला है। जब मेरी इच्छा पूरी हो सकती है, मुझे वह सब मिल सकता है जो मुझे चाहिए था, तो आपको क्यों नहीं मिलेगा। बस आपको अपने जीवन में एक नियम बनाना है कि प्रतिदिन जब आप रात को सोने जाएं, तो सोते समय 11 बार पहले आपको अपनी इच्छा को भगवान को बोलना है और उसके बाद उनका नाम जप आरंभ कर देना है। यदि आप कुछ दिन इस प्रकार से करेंगे तो आप विश्वास कीजिए, वो चमत्कार आपके साथ जरूर घटित होगा। आपको वह सब कुछ मिलेगा जो सब आपको चाहिए। आपकी प्रत्येक इच्छा प्रभु पूरी करेंगे, क्योंकि दोस्तों भगवान की नाम जप के साथ जब आपकी इच्छा की कनेक्टिविटी होगी, जब आपकी इच्छा कनेक्ट होगी, तो तुरंत के तुरंत ही आपकी इच्छा पूरी हो जाएगी। जब आप पूरी रात नाम जप करते रहेंगे तो आपकी इच्छा अवश्य ही भगवान तक पहुंचेगी, और जैसे ही उन तक आपकी इच्छा पहुंचेगी, वो तुरंत के तुरंत ही आपकी इच्छा पूरी कर देंगे। तो देखिए, इसमें कोई खर्चा नहीं होना, कहीं से आपको कुछ नहीं लाना, सिर्फ आपको अपने बेड पर सोते सोते ये उपाय करना है। तो दोस्तों, आप ये उपाय करके देखिए और उसके बाद आपको जो रिजल्ट प्राप्त होगा वो अद्भुत होगा, और आप मुझे भी बताइएगा कि इसके द्वारा आपको क्या मिला है। तो दोस्तों, आप ये उपाय करिए, आपको जरूर लाभ होगा। आप जैसे ही भगवान का नाम जप आरंभ करेंगे, आपको फायदा मिलना आरंभ हो जाएगा। तो दोस्तों, यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, और यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि हम जो भी वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। कमेंट में जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम अवश्य लिखें। मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार।